हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे बहुत ही एक डिलीशियस स्वीट रेसिपी जो कि उड़ीसा का फेमस है। इसको बोलते हैं खाजा, जो कि पूरी में जगन्नाथ का महाप्रसाद होता है, भोग बोलते हैं, और इसको हम घर में बनाएंगे। चलिए देखते हैं खाजा कैसे बनता है। तो खाजा बनाने के लिए पहले हम ले लेंगे 2 कटोरी भर के मैदा। ये कटोरी मैंने लिया है, आप जो भी कटोरी ले ले, लेकिन उसी से मैंने 2 कटोरी लिया है। तो 2 कटोरी, एक लिया और दूसरा लिया 2 कटोरी मैदा। उसमें 4 टेबलस्पून, जो मैंने पहले 3 टेबलस्पून ऑयल डाला, फिर थोड़ा थोड़ा करके जरूरत पड़ी तो मैंने 2 डाला, तो टोटल मैंने 5 टेबलस्पून ऑयल डाला है खस्ता के लिए। देखिए, और फिर से डाला और फिर से डाला, और फिर आप इसको पूरा अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करते करते थोड़ा सा आप हाथ में लेके ऐसे मुट्ठी बनाने की कोशिश करेंगे उसको, तो मुट्ठी ऐसे बन जाएगा तो पता चल जाएगा कि खस्ता सही है। अब थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसको गूंदने की कोशिश करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसको गूंदेंगे, एक सॉफ्ट डो बनाएंगे। ज्यादा सख्त नहीं और ज्यादा गीला भी नहीं, जैसे मैं करती जा रही हूँ आप देखिए, और ये एक सॉफ्ट डो बन जाएगा। और उसको आधे घंटे के लिए ढक के रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। देखिए कैसा हाथ में, देखिए मैंने बनाया है डो, और अच्छे से गूंदना। और इसी के ऊपर ही बेस करता है आपका खाजा कितना क्रिस्पी बनेगा, यही मेन है हमारा। तो देखिए कैसा बना है, इसको ढक के छोड़ देंगे। इस कटोरी में मैंने 4 टेबलस्पून मैदा और 4 टेबलस्पून ऑयल, मतलब थोड़ा सा पतला, जैसे आप करोगे और ऑयल जरूरत पड़ेगा तो और ऑयल डालना, लेकिन एक देखिए कैसा एक कंसिस्टेंसी है। एक पेस्ट बनाएंगे जो कि हमको अभी जरूरत पड़ेगा। ये पेस्ट बना के साइड में रख देंगे एक कटोरी में, फिर आपको मैं बताऊंगी कि क्या करना है इस पेस्ट का। मैदा और ऑयल, और इस टाइप का कंसिस्टेंसी, जैसे रोटी बनाकर उसमें लगाएंगे हम, तो ये पेस्ट जरूरत है। मैं अभी बताऊंगी कि आपको क्या जरूरत है इसका। आधे घंटे के बाद हम ढक्कन निकालेंगे, और देखिए कितना सॉफ्ट और बढ़िया बना है हमारा डो। और उसको अलग अलग बॉल बनाकर, अलग अलग मतलब 5 या 6 बॉल बनेगा। देखिए कितने साइज का मैं बना रही हूँ, उसी साइज से आप भी बना देना जितना बनेगा। देखिए मैंने 8 बॉल बनाए हैं, 2 कटोरी मैदा लिया था, तो उसी हिसाब से आप इतने साइज का बॉल बना देना। अब चलिए इसको बेलते हैं रोटी की तरह। थोड़ा सा मैदा लेकर आप बेलना शुरू कीजिए, मोटा नहीं, और जैसे रोटी बन रहे हैं उतना भी पतला नहीं, उस टाइप का बनाना है हमको। तो बेलते जाएंगे, 4 बनाएंगे इस टाइप का, 4 बनाएंगे हम, 4 रोटी बनाएंगे। ये देखिए मैंने रोटी जैसा बना दिया है, पूरा रोटी जैसा, पतला नहीं और मोटा नहीं, और इस टाइप का मैंने 4 बॉल का 4 रोटी बना दिया। अब चलिए दिखाती हूँ कि कैसे करना है। एक रोटी मैंने ले लिया, और जो मैदा और ऑयल का पेस्ट मैंने साइड में रखा था, उसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे इस रोटी के ऊपर, अच्छे से ऐसे स्प्रेड कर देंगे, पूरा लगा देंगे। और आपको अगर मोटा लग रहा है तो थोड़ा ऑयल डाल सकते हैं आप उस पेस्ट में, और अच्छे से उसको पूरा स्प्रेड कर देंगे रोटी के ऊपर। और जैसे ही स्प्रेड कर देंगे उसके ऊपर और एक रोटी, हमने 4 रोटी बेल के रखा था, और एक रोटी को चिपका देंगे, फिर से इसके ऊपर पेस्ट लगाएंगे अच्छे से। देखिए पूरा स्प्रेड कर रही हूं मैं, उसके ऊपर फिर से और एक रोटी रख देंगे। इसको भी चिपका देंगे अच्छे से, फिर और एक रोटी रह गया हमारा, 3 हो गया। इसके ऊपर फिर से हम लगा देंगे पेस्ट को, और फिर से वो रोटी, लास्ट रोटी रख देंगे। तो हमारा ये 4 परख का हो गया। हाँ, खाजा 5 परख का भी होता है, 7 परख का भी होता है, 3 परख का भी होता है। मैं 4 परख का बना रही हूँ, इसलिए 4 रोटी मैंने लिया। तो परख अच्छे बनेंगे, परस्त जो होते हैं खाजे में, वो बनेंगे अच्छे से। और इसको क्या करेंगे, रोल बनाते जाएंगे, पूरा टाइट से पतला रोल बनाते जाएंगे ऐसे, देखिए पूरा टाइट से। और इसको ऐसे ऐसे थोड़ा सा लंबा कर देंगे हाथ से, और
ठीक हो गया। बस अब साइड से हम जो एक्स्ट्रा है काट देंगे और टुकड़ा टुकड़ा में उसको काटते चले जाएंगे। जैसे मैं कर रही हूँ आप देख लीजिए कैसे मैं कर रही हूँ। दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा जो एक्स्ट्रा शेप में आया है उसको काट देंगे, उसको बाद में तल देंगे हम, जैसे भी शेप में तल देंगे। अब हम कितने चौड़ा में, देखिए इतने चौड़ा में पीसेस हमको कट करना है। देखिए उसको ऐसे पीसेस में कट करके साइड में रखना है, जितना आपको पीसेस, इतने पीसेस में तो आपका खाजा उतना बड़ा बनेगा, जितना पीसेस थोड़ा बड़ा और उतना बड़ा खाजा। तो ऐसे पीसेस में काटते जाएंगे। तो एक रोल में मेरा टोटल कितना बना है, सेवन में बना है। तो आप छोटा बनाना चाहते हैं तो छोटा भी बना सकते हैं, और थोड़ा सा प्रेस करके ऐसे बस बेल देना है। थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर ले और फिर ऐसे बेल ले लंबा लंबा साइज में। बस अब इसको ऐसे बेलते बेलते साइड में रखना है हमको सब सारे पीसेस को। खाजा सब बेल के रेडी हो गया है। तो मेरा एक रोल में 7 खाजा बना, मैंने इस साइज का करा। अगर आप छोटा बनाते हो तो छोटे बनेंगे। अब हम तेल गरम कर देंगे, रिफाइन ऑयल। तेल गरम करने के लिए हम एक साइड में चढ़ा देंगे रिफाइन ऑयल तलने के लिए इसको, और इस बीच हम और दूसरे साइड सीरा जो होता है ना, चाशनी बनता है खाजा का, वो बनाना शुरू कर देंगे। तो 2 कटोरी मैदे के लिए मैंने 1 कटोरी चीनी लिया है, कढ़ाई में चीनी डाल देना, और 1 कटोरी से कम पानी लेना है हमको चाशनी के लिए। को बॉईल होने के लिए थोड़ा हम मिक्स करेंगे चीनी और पानी को, और इसमें एक बॉईल आएगा, और बॉईल आने के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे, और इसमें इलायची का पाउडर थोड़ा सा डाल देंगे। और जैसे ही बॉईल आएगा तो हम देखेंगे कि एक तार बनेगा, एक तार, बस एक तार, उससे ज्यादा नहीं। बस नींबू थोड़ा निचोड़ लेंगे, क्योंकि जो क्रिस्टल आ जाते हैं ना व्हाइट व्हाइट, वो नहीं आएगा। तो थोड़ा सा नींबू निचोड़ लेंगे, और उसके बाद जो बॉयल आ जाएगा हम देख लेंगे कि एक तार बनता है। बस एक तार बना और हम बंद कर देंगे गैस, और इस तरफ जो तेल चढ़ाया था हमने गर्म हो गया होगा, लेकिन तेल को ज्यादा गर्म नहीं करना है। अगर आपका तेल गर्म हो गया है तो खाजा डालने से पहले थोड़ा सा गैस को फ्लेम ऑफ कर देना, नहीं तो बबल आ जाएंगे। और जैसे ही खाजा डालना, बस 1 सेकंड के बाद फिर ऑन करके स्लो फ्लेम में ही हमको तलना है, जब तक ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। पेशेंस रख के ये करना है, नहीं तो अच्छा नहीं बनेगा, क्रिस्पी नहीं बनेगा खाजा। देखिए कितना सुंदर कलर आया है हमारा, लेकिन अगर तेल ज्यादा गर्म होगा तो बबल आ जाएंगे उसमें, इसलिए थोड़ा बंद कर लेना। अगर ज्यादा गर्म हो गया है आपका फ्लेम, फिर लगा देना। और देखिए खाजा हमारा बन गया, और इस तरफ चाशनी भी मैंने बना दिया था। तो हम अब खाजा वार्म होगा और चाशनी भी वार्म होगा, मतलब चाशनी ज्यादा नहीं गर्म होना चाहिए और खाजा बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए और बिल्कुल गर्म भी नहीं होना चाहिए, दोनों का टेम्परेचर एग्जैक्ट रहना चाहिए। फिर हम चाशनी में डुबो डुबो कर छोड़ेंगे नहीं ज्यादा देर, बस 1 मिनट, और डुबो डुबो कर फिर निकालते जाएंगे एक थाली में। ये हो गया हमारा खाजा, ऐसे बनता है। देखिए मैंने सारा खाजा को उतना चाशनी में डुबो डुबो कर थाली में निकाल रही हूँ, पूरा नहीं छोड़ देना है उसको। और लेकिन ये याद रखना है कि वार्म होना चाहिए वो चाशनी, और वार्म होना चाहिए खाजा, दोनों का टेम्परेचर समान रहना चाहिए। बस इसको डुबो डुबो कर निकाल देंगे। तो मैंने 2 कटोरी मैदा लिया था, और थोड़े बड़े बड़े खाजा बनाए थे, और 4 परख के बनाए थे, तो मेरे 15 खाजा बना। तो आप अगर 3 परख का बना सकते हो, 2 परख का बना सकते हो, छोटा छोटा भी बना सकते हो, तो ज्यादा क्वांटिटी बनेंगे। तो हमारा खाजा बिल्कुल रेडी है। इसको ठंडा होने के लिए पूरा छोड़ दीजिए, जितना ठंडा होगा उसका क्रिस्पीनेस आपको पता चलेगा। आज अगर आप शाम को बना रहे हो तो कल भी अगर आप खाओगे डब्बे में ठंडा होने के बाद ही पैक करना, और
कल का जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है, क्रिस्पी बन जाता है। नहीं तो गरम गरम के खाओगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल नरम है ये। तो हमारा खाजा रेडी है, देखिए हमारा खाजा बिल्कुल रेडी है, क्रिस्पी खाजा। तो क्रिस्पी और सुन अच्छे टेस्टी खाजा बनाने के लिए हमको मेजरमेंट और टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ेगा, फिर आपका खाजा बड़े सिंपल तरीके से बन जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज बताना कॉमेंट सेक्शन में कैसा लगा मेरा वीडियो। थैंक यू फॉर लाइकिंग माई वीडियो, सब्सक्राइबिंग माई वीडियो, एंड करते रहिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।